Good morning, friends. I hope you all are doing well. This is K.D. Shivam. Today, once again, we are going to continue with Maxims of Equity. Our next equity is, he who seeks equity must do equity. Latin mein se kehte hain, qui equitatem quaerest equitatem agendam est. Right? So, ye equity ka meaning ye hai, ki agar aapko जस्टिस लेना है अंडर द इक्विटी ऑफ कोर्ट तो आप खुद भी इक्विटी करना जरूरी है. मतलब अगर आप किसी से कुछ जस्टिस मांग रहे हो तो पहले एक कोर्ट ऑफ इक्विटी ये देखेंगी कि आप सही हो कि नहीं, बराबर आपने इक्विटी किया है कि नहीं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो टू रिसीव इक्विटेबल रिलीफ द पेटिशनिंग पार्टी मस्ट बी विलिंग टू कंप्लीट all of its own obligation as well. The applicant to a court of equity is just as much subject to the power of that court as the defendant. Right? In the court of equity, the applicant and the defendant both are equally seen. Right? ऐसा नहीं कि जो भी प्लेंटिफ है या जो भी अप्लीकेंट है उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए क्योंकि उसने अप्लाई किया है तो वही सही होगा, ऐसा नहीं. कोर्ट ऑफ इक्विटी दोनों दायरे से देखेगी और वो अगर ये देखती हैं कि अप्लीकेंट हिमसेल्फ हैज नॉट परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन फ्रॉम हिज साइड देन इट विल नॉट अप्लाइज. दैट्स द थिंग, राइट. तो इक्विटी डज नॉट विश दैट ओनली द डिफेंडेंट बिहेव्स इन जस्ट एंड प्रॉपर मैनर but also the plaintiff approaching the court for justice should behave in just and appropriate manner with regard to the right interest of the respondent. Now, explanation mein wahi jaisa hai, right? To receive an equitable relief, the plaintiff must be willing to complete all of its own obligation towards the defendant. Ye samajhne ke liye hum ek example le lete hain, right? Ek donor hai, right? Ek donor ne अपने प्रॉपर्टी को, बराबर अपने प्रॉपर्टी को एक्स के नाम पे लिखा, लेकिन उनका काफी बड़ा प्रॉपर्टी समझो, राइट. वो ये एक्स के नाम पे एग्रीमेंट या तो विल लिख रहे हैं, राइट. लेकिन वहां एक छोटा सा कंडीशन रखा. वो छोटी सी कंडीशन ये है कि अगर एक्स अपना प्रॉपर्टी, अगर सी इफ व्हेन इफ कम्स मतलब दैट इज ए कंडीशन, तो अगर एक्स अपनी प्रॉपर्टी Y के नाम पे करने के लिए तैयार हो तो दिस इज द थिंग. तो अनलेस एंड अनटिल X इज रेडी टू परफॉर्म इज ऑब्लिगेशन, राइट, परफॉर्म इज ड्यूटी टू राइट डाउन और टू डोनेट हिज प्रॉपर्टी टू Y टिल दैट ही कैन नॉट व्हाट यू से गेट और गेट द प्रॉपर्टी ऑफ X, बराबर. ही कैन नॉट गेट द और बिकम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ X, बराबर. इफ अ डोनर वेदर बाय विल और डीड गिव्स सम प्रॉपर्टी टू मिस्टर X एंड इन द सेम डॉक्यूमेंट परपोर्ट्स टू गिव मिस्टर X प्रॉपर्टी टू अनदर मिस्टर Y, मिस्टर X विल नॉट बी एबल टू क्लेम द होल गिफ्ट ऑफ द डोनर टू हिम अनलेस ही टू अलाउज द गिफ्ट्स टू मिस्टर Y टू टेक इफेक्ट. एग्जाम्पल, अब ये मैक्सिमम हम दो तीन एग्जाम्पल लेंगे, राइट. तो पहला वाला एग्जाम्पल है वाइफ्स इक्विटी टू ए सेटलमेंट. बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ मैरिड वुमन एंड टॉड फिशर एक्ट ऑफ 1935, द वुमन कुड नॉट होल्ड हर ओन प्रॉपर्टी. ऑन गेटिंग मैरिड हर प्रॉपर्टी वॉज टू बी मर्ज इन हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, राइट. ये 1935 के पहले कैसा था कि जो लड़की है, लड़की की जो उसके जो भी प्रॉपर्टी है, उसके खुद के प्रॉपर्टी है, मैरिज हो जाने के बाद वो प्रॉपर्टी कहाँ किसके नाम पर चली जाती है, वो हस्बैंड के नाम पे चली जाती है, बराबर. और हस्बैंड के साथ, हस्बैंड के प्रॉपर्टी के साथ मर्ज हो जाता है, राइट. लेकिन अब लॉ ऑफ इक्विटी क्या कहता है कि एट द टाइम द कोर्ट ऑफ इक्विटी प्रिस्क्राइब दैट इफ हस्बैंड वांट्स टू गेट द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू व्हिच ही वाज एंटाइटल्ड इन राइट ऑफ हिज वाइफ, ही देन हैज टू मेक अ फेयर सेटलमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. दिस इज वॉट इक्विटी बिलीव्स, राइट. Unless and until if husband is ready to settle, go for a settlement of a part of the property in the name of his wife or children, he is not entitled to get the property of his wife,
राइट। तो ये अब लॉ ऑफ इक्विटी कहता है, राइट। तो दिस इज व्हाट दिस मैक्सिम डज और मैक्सिम अप्लाइज हियर। नेक्स्ट डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन इफ अ मॉर्टगेजर विशेस टू एक्सरसाइज हिज राइट टू रिडीम हिज मॉर्टगेज प्रॉपर्टी ही मस्ट गिव अ रीजनेबल नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू द मॉर्टगेजी, राइट। तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस मैक्सिम, राइट। तो मॉर्टगेजर अगर अपना डॉक्यूमेंट्स या सिक्योरिटीज या जो है वापस लेना चाहता है, राइट, या उसको बराबर रिडीम करना चाहता है, तो ही हैज टू गिव अ प्रॉपर और रीजनेबल नोटिस टू हिज ऑफ हिज इंटेंशन टू द मॉर्टगेजी, राइट। प्रिंसिपल ऑफ सेट ऑफ, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। वेयर द म्यूचुअल डेब्ट इज ड्यू फ्रॉम लिटिगेटिंग पार्टीज अगेंस्ट ईच अदर द अमाउंट सो ड्यू शैल सेट ऑफ दैट मच ड्यू फ्रॉम अदर पार्टी एंड ओनली द रेसिड्यूरी अमाउंट शैल बी रिक्लेम्ड, राइट। ये एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। सपोज एक्स एक्स वाई है, बराबर। एक्स जो है वाई को उसने 100 रुपये दिए, बराबर, और वाई ने एक्स को 1000 रुपये दिए थे, राइट। अब ये ऐसे ही मामला चलता है, तो वाई ने क्या किया, कोर्ट ऑफ इक्विटी चला गया। कोर्ट ऑफ इक्विटी जाके बोले मेरे 1000 रुपये मुझे क्लेम करना है, मुझे मेरे से लिए इसने और वो उसने दिया ही नहीं, राइट। तो कोर्ट ऑफ इक्विटी ये देखते हैं कि वाई ने भी एक्स के 100 रुपये लिए हैं। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सेट ऑफ। तो यहाँ उनका 100 रुपया जो है वो सब्ट्रैक्ट करके या बाद बाकी करके उनके बाकी के जो पैसे हैं वही वो क्लेम कर सकते हैं। दिस इज व्हाट दिस मैक्सिम सपोर्ट्स। ओके, नाउ केस लॉ में देखें तो लॉज वर्सेस नेशनल यूनियन इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये भी ऐसा ही है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इन दिस केस द प्लेंटिफ बोरोड मनी फ्रॉम द डिफेंडेंट एंड अनरिकॉग्नाइज मनी लैंडर अंडर द मनी लैंडर एक्ट 1900। इट वॉज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट्स बाय मनी लैंडर हु आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट वेयर वाइड द प्लेंटिफ सूड डिमांडिंग बैक हिज सिक्योरिटीज एंड पेमेंट्स। द डिफेंडेंट देन टुक द डिफेंस दैट द प्लेंटिफ सीकिंग एन इक्विटेबल रेमेडी सो ही शुड डू इक्विटी टू। The defendant was willing to give back plaintiff's securities and payments if plaintiff pays back the money taken. सही बात है ना ये, right? ये बहुत ही सही है। अब plaintiff ने इसका actually क्या सोचा कि law का misuse करते हैं। Plaintiff ने money तो borrow कर लिया एक ऐसी company जो registered नहीं थी और under the मतलब वो 1900 act के अंडर registered नहीं थी, तो वो void हो जाता है, उसे पता था plaintiff को, तो उसने जाके क्या किया, जाके कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, बराबर। अब डिफेंडेंट ने भी छोड़ा नहीं, डिफेंडेंट ने यह दावा किया कि द प्लेंटिफ सूड डिमांडिंग बैक हिज सिक्योरिटीज एंड पेमेंट अंडर द इक्विटेबल रेमेडी। तो अगर वो इक्विटेबल रेमेडी के दौर पे या उसके अंडर बेस पे अगर वो उसके सिक्योरिटीज वापस चाहना चाहता है तो उसको भी इक्विटी करना जरूरी है। ही मस्ट पे बैक हिज मनी। तो अगर वो पैसे वापस कर देता है तो मैं सिक्योरिटीज वापस कर देता हूँ। तो दिस इज हाउ दिस मैक्सिम डज, राइट। वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। तो द डिपेंडेंट वॉज विलिंग टू गिव बैक प्लेंटिव सिक्योरिटी इफ प्लेंटिव पे बैक द मनी टेकन। अब अप्लीकेशंस, ये सारे हमने एग्जाम्पल्स में जो देखे थे वही है। इलीगल लोन्स, राइट, ये अभी जो केस देखा, फिर उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, कंसोलिडेशन ऑफ मॉर्टगेज, doctrine of notice, principle of set off, wife's equity to a settlement, equitable estoppels, ये सारे किस्से में ये maxim apply होता है, right? limitations, अब इसका थोड़ा सा एक limitation भी है। in the common law, the application of this maxim is limited to the matter in respect to which the assistance of court is asked, जहां तक assistance मतलब help support of the court is asked. Court cannot impose upon a plaintiff a term relating to a matter independent of that in respect of which the relief is sought. बराबर ना, जो जिस चीज के लिए उन्होंने मांगने के उससे अलावा कोई भी चीज पे ये अप्लाई नहीं हो सकता है। तो that is the thing, matter which is independent of that in respect of which the relief is sought. So court cannot apply this maxim there. This is the one limitation. Recognition in India. Under Section 19A, the Contract Act 1872,
If a contract becomes voidable and the party who entered into the contract voids the contract, he has to return the benefit of the contract. But voidable मतलब जो remedy लेके आ सकते हैं, बराबर. तो ये क्या है? Then he has to return back the benefit of the contract. Section 35 of the Transfer of Property Act embodies the principle of election. Section 51 and 54 of the Transfer of Property Act, and in order 8 rule 6 of the CPC, the doctrine of set of fees also recognized. ये सारे चीज जो है हमारे इंडिया में रिकॉग्नाइज होते हैं इस मैक्सिम. ये मैक्सिम इस सेक्शंस में रिकॉग्नाइज होते हैं, राइट. सो कैसा लगा दोस्तों? आई होप यू अंडरस्टूड. मेन देखिए एक बात बताऊं, मेरा जो मेन कंसेप्ट है आपको इस मैक्सिम्स के आइडियाज या कंसेप्ट क्लियर करना, राइट. तो दिस इज व्हाट मैटर. दैट डजंट मीन दैट आप डायरेक्ट ये सारा एग्जाम में, आपको एक बार आइडिया क्लियर हो जाएगा, फिर अगर आप फिर उसके बाद आपके पास नोट्स हैं वो अगर आप देखें, या तो फिर इसी का अगर आप नोट्स भी चेक करें, इसी को भी आप अच्छी तरह पढ़ लें, तो भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे. और किस तरह लिखना वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोज, राइट. तो ये जो इस तरह करें हैं तो आपको सही अच्छे मार्क्स मिलेंगे. जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले हैं उनके लिए भी ये मैक्सिम सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस, वंस यू अंडरस्टैंड वेर इट कैन बी अप्लाइड, वेर इट कैन बी क्लेम, तो वो चीज़ आपको ईजी रहेगा क्लियर मीनिंग क्लियर करने में, या तो फिर आइडिया क्लियर करने में, राइट. ओके. सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और लाइक एंड शेयर करना मत भूलना. जितना शेयर कर सके करो, सो दैट इट रीचेस आउट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स, राइट. एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर नेक्स्ट मैक्सिम. ओके, हैव अ नाइस डे. बाय टिल.